पैटर्न्ड ड्राइंग यानी एक ही पैटर्न को बार बार ड्रॉ करना स्ट्रेस रिलीविंग होता है। मुझे भी बॉर्डर पैटर्न्स बनाना बहुत रिलैक्सिंग लगता है। मैं हूं नम्रता, आइए इसे सीखते हैं। मधुबनी आर्ट फॉर्म में पेंटिंग के चारों ओर बॉर्डर बनाया जाता है। शेप्स की डबल आउटलाइन की जाती है। किसी शेप को लाइन से फिल करने को कचनी और रंग भरने को भरनी कहते हैं। इन्हें हम आगे बॉर्डर डिजाइंस में यूज करेंगे। यहाँ मैं बहुत बेसिक शेप्स को रिपीट कर रही हूँ। एक और आउटलाइन बनाएंगे। यहाँ पर अलग अलग टाइप की कचनी में करके दिखा रही हूँ ताकि आप इन्हें भी जान सकें। फिलिंग को वेरी करके आप बॉर्डर को अलग अलग लुक दे सकते हैं। अब एक से ज्यादा शेप्स को यूज करके डिजाइन्स बनाएंगे। फ्लावर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है इस आर्ट फॉर्म में। ना केवल प्लांट के पार्ट की तरह ड्रॉ किया जाता है बल्कि किसी भी स्पेस को, चाहे वो कोई लेफ्ट ओवर स्पेस हो या ह्यूमन फिगर्स के क्लोथ्स हो, वहां पर भी डेकोरेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ मिलाकर मैं फ्लोरल शेप्स को ड्रॉ कर रही हूँ, जो मुझे एक यूनिक कॉम्बिनेशन लगता है। ये और भी कुछ डिजाइन्स हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस आर्ट फॉर्म में हर मोटिफ किसी न किसी चीज को सिंबलाइज करता है। आइए सीखते हैं कुछ बर्ड एंड एनिमल मोटिफ्स। मछली से शुरू करते हैं क्योंकि इसे मिथिला संस्कृति में बहुत शुभ माना गया है। यह प्रजनन शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। हाथी को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तोता, जिसे मैथिली भाषा में सुग्गा कहते हैं, ये प्रेम और खुशहाली को दर्शाता है। सुंदर मोर प्रेम को दर्शाता है। जोड़ा मोर, पेयर ऑफ पीकॉक्स बनाने का भी रिवाज रहा है इस आर्ट फॉर्म में। इन मोटिव्स को यूज करके आप डिफरेंट डिजाइन्स बना सकते हैं। सिंगल या पेयर में ड्रॉ कर सकते हैं। सेपरेशन के लिए फ्लावर्स या ज्योमेट्रिकल शेप्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी साइज की पेंटिंग बना रहे हैं, जैसे A2, A1 या इससे भी बड़ी, तो एक से ज्यादा बॉर्डर्स ड्रॉ कर सकते हैं। मोस्टली 2 या 3 लेयर्स बनाए जाते हैं। इसमें एक थिक और दूसरे थिन बॉर्डर्स ड्रॉ करें। थिक बॉर्डर में कॉम्प्लेक्स डिजाइन और थिन बॉर्डर में कोई भी बेसिक डिजाइन या फिर सिंपली कचनी या भरनी कर सकते हैं। अब कुछ खास बातें। बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन ही सुंदर लगते हैं ऐसा नहीं है। अच्छे तरीके से बनाए हुए सिंपल डिजाइन भी खूबसूरत लगते हैं। आप जो भी बनाएं, पेशेंस और परफेक्शन के साथ बनाएं। बॉर्डर की थिकनेस पेंटिंग सरफेस के साइज के अकॉर्डिंग रखें, अप्रॉक्सिमेटली 1-2 सेंटीमीटर के रेंज में। अगर सरफेस काफी बड़ी है तो मल्टी लेयर्स यूज कर सकते हैं। अगर कॉर्नर के पास काफी खाली स्पेस बच गई है तो उसे कोई मिलता जुलता या बेसिक शेप बनाकर फिल कर सकते हैं। कॉर्नर के पास लास्ट शेप ड्रॉ करने के लिए स्पेस कम बच सकती है। इसे अवॉइड करने के लिए आप पहले ही अंदाजा लगा लें और फिर पैटर्न ड्रॉ करें। थैंक यू। कीप पेंटिंग, कीप क्रिएटिंग।